नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो तीन आधार पर इस पूरी क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनगणना की पृष्ठभूमि को देखेंगे कि भाई भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा की गई, अब तक कितनी जनगणनाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं आदि आदि। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए फिर हम बढ़ेंगे आगे तुलनात्मक जनसंख्या की ओर। भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसंख्या की थोड़ी बहुत हम ऊपरी सतह पर तुलना कर लेंगे, फिर स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हम तक अपनी सूचना भेजें किस प्रकार से वीडियो आपको समझ आती है। फिर दोस्तों, सबसे पहले बात करनी है पृष्ठभूमि की। तो प्राचीन काल में दोस्तों भारत के अंदर समूचे भारत में जनगणना करने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और चाणक्य की और कौन कौन से नाम है इसे कमेंट सेक्शन में बता दें। पर दोस्तों, आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना का कार्य दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में वर्ष 1872 में किया गया था। ध्यान रखना है 1872 लॉर्ड मेयो का नाम आपके लिए। फिर विधिवत रूप से जनगणना का कार्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों भारत में 1881 में किया गया। लॉर्ड रिपन आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनके कार्यकाल में 1881 में भारत में विधिवत रूप से जनगणना कराई गई। और दोस्तों, नियमित जनगणना की शुरुआत भी ध्यान रखना है आपको, नियमित जनगणना की शुरुआत भी 1881 से हुई, क्योंकि 1881 के बाद दोस्तों नियम बना कि हर दर्श वर्ष में जनगणना होगी। और फिर वो चीज अभी तक चलती आ रही है, आज भी हम उसी सिक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में भी प्रति दर्श वर्ष पर जनगणना होती है, हम सभी जानते हैं। फिर दोस्तों, एक बात आती है विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस की, कब मनाया जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 11 जुलाई आपको ध्यान रख लेना है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद, अस्तित्व में कब आया? वर्ष 1956 में आया। तो दोस्तों, जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था वर्ष 1956 में, तब से लेके जो अभी लेटेस्ट जनगणना हुई थी 2011 की, वह 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की छठवीं जनगणना है, इसे भी ध्यान रखना है। यहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली जनगणना 1961 में की गई थी। और इस प्रकार से 10-10 वर्षों के अंतराल से पहली 1961 में, दूसरी 71 में, तीसरी 81 में, चौथी 91 में, पांचवी वर्ष 2001 में और छठी वर्ष 2011 में की गई थी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब तक कुल 6 बार जनगणना हो चुकी है मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद। फिर बारी आती है दोस्तों मध्य प्रदेश की आबादी धर्म के अनुसार, इसका विवरण दिया हुआ है। तो दोस्तों, 2011 की जनसंख्या नीचे दी हुई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की कितनी आबादी थी। फिर 11 के अनुसार ही यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत किस धर्म के लोग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में शामिल थे। और दोस्तों, 2021 की अनुमानित जनसंख्या भी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं जनसंख्या वाले, इसे आपको पढ़ना होगा यदि आप चाहते हैं। तो हम यहाँ पर प्रतिशत की बात कर लेंगे कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के परिप्रेक्ष्य में किस धर्म की कितने प्रतिशत आबादी है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा आबादी है हिंदू की, हिंदू धर्म के लोगों की कितनी है? 90.89%। फिर दोस्तों, सेकेंड नंबर पर आते हैं मुस्लिम 6.57% के साथ। और दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्रमवार अध्ययन कर लेते हैं, अन्य में तो दोस्तों बाकी सभी आ जाएंगे और अघोषित में। और इसी क्रम में हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो मुख्य धर्म है उसमें मुख्य दोस्तों सभी होते हैं, जनसंख्या वाइज बात करें जिनके आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं उस आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तीसरे स्थान पर आपको जैन दिख जाएंगे 0.78%, चौथे स्थान पर आंकड़ों के हिसाब से 0.30% बौद्ध है, 0.30 के बाद लगा, 3 के बाद लगा है, मायने नहीं करता 0.3% कौन है बौद्ध है। फिर दोस्तों, ईसाई 0.29%, फिर सिख 0.21%, अघोषितों की संख्या है 0.13%,
और अन्य में दोस्तों 0.83%, इस प्रकार से कुल 100% ये आंकड़े हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको हिंदू ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा है, सेकेंड नंबर पर मुस्लिम, और यहाँ पर जिनके नाम सुने हैं आपने उनमें थर्ड नंबर पर आपको जैन देखने को मिल जाएंगे। तो टॉप थ्री आप ध्यान रख लें, और अपनी स्वेच्छा के अनुसार इनकी जनसंख्या भी आप पढ़ सकते हैं किसकी कितनी है। कुल जनसंख्या नीचे लिखी हुई है 7,26,26,809, इसे ध्यान रख लें, या फिर 7.26 करोड़ याद रख लें, एक ही बात है। अनुमानित जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है आप देख सकते हैं, 8,50,02,417, तो 8.50 करोड़ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अनुमानित जनसंख्या 2021 की जनसंख्या, ठीक है, लेकिन 2011 के अनुसार 7.26 करोड़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि इतनी चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हाँ मजा आ गया, जो चीजें आपने बताई हैं एकदम दिमाग में सारी चीजें सेट होती जा रही हैं। आप लोग थोड़ा आजकल मुझे निराश कर रहे हैं, मैं इतनी ज्यादा वीडियो एक दिन में, तीन तीन वीडियो, और दोस्तों दिन में नहीं, ऑफिस से आने के बाद मैं कहीं नहीं जाता, ना घूमने जाता हूँ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इस सीरीज को खत्म कर लूँ तो सुबह सो के उठूंगा लेट, क्योंकि रात को लेट तक अपडेट करना, अपलोड करना, एडिट मतलब थंबनेल वगैरह लगाने, वैसे कुछ मैं एडिट नहीं करता, जैसा बोलता हूँ सीधा का सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करता, फिर भी रात को लेट हो जाता है तो सुबह लेट उठ पाता हूँ, फिर सीधे ऑफिस जाना, ऑफिस से आने के बाद फिर से इसी प्रक्रिया में लग जाना। तो मैं इतना प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ, और आपकी ओर से उतना इंटरेस्ट पिछले 7-8 वीडियो में नहीं दिखाया जा रहा है, तो मुझे भी थोड़ी सी निराशा लगती है। तो दोस्तों वो निराशा आपको ही खत्म करनी है, ताकि फिर अंदर से मनोबल भी मेरे अंदर जागे और वीडियो बनाने का, आपके लिए और प्रयास करने का। तो आप अपना समर्थन बनाए रखें और बताते रहें कि सर मजा आ रहा है, हिम्मत आप ही मुझे देंगे ताकि मैं और लंबी लंबी इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया सीरीज आपके लिए ला सकूं। चलिए बात कर लेते हैं महान विभाजक वर्ष की, ग्रेट डिवाइड ईयर की। तो दोस्तों भारत में वर्ष 2021 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं। कौन सा दोस्तों दशक? 2021 के दशक में जो जन्म दर थी, बर्थ रेट में जो वृद्धि थी, वो न्यूनतम रही है, सबसे कम रही है अब तक की, इसलिए इसे हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं। और दोस्तों लघु विभाजक वर्ष, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही है, इसलिए 1951 को हम लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। महान विभाजक क्यों? क्योंकि जन्म वृद्धि दर सबसे कम रही। लघु विभाजक क्यों? क्योंकि जन्म वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेना है। अब बात करते हैं 10 लाख आबादी वाले मध्य प्रदेश के शहरों की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको शहर एवं जिले में अंतर समझना है। अभी यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं 10 लाख आबादी वाले शहरों की। जब मध्य प्रदेश की हम जनसंख्या पढ़ेंगे उसमें मैं आपको जब बताऊंगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले, वो आप कह देंगे सर कि अभी तो ब्रैकेट में आपने कहा था सबसे ज्यादा इंदौर है, फिर भोपाल है, फिर जबलपुर है, फिर ग्वालियर है। दोस्तों यहाँ शहरों की बात हो रही है। आप जिस भी जिले में रहते हैं, जिले के आसपास विकास खंड मिलेंगे आपको, तहसीलें मिल जाएंगी, तो उन सबको जब हम मिला लेते हैं तो पूरा जिला बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेन शहर की बात की जा रही है कि मेन शहर में 10 लाख आबादी वाले मध्य प्रदेश के कौन से शहर हैं। तो दोस्तों जिले और शहर में उम्मीद है आप अंतर समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हैं इस बेसिक से अंतर को तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी प्रकार से आप व्यवहारिक चीजें समझना चाहते हैं तो भी हमें बताते रहें, तो बीच बीच में जो भी चीजें मुझे याद आएंगी उनको मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि सर जो आप बताते हैं ना वो आपको बहुत ज्यादा रोचक लगता है, व्यवहारिक लगता है, आप इस प्रकार की चीजें बताते रहें, तो मेरी ओर से ऐसा प्रयास किया जाता रहेगा हमेशा। तो 10 लाख आबादी वाले मध्य प्रदेश के शहरों में आपको सबसे ज्यादा इंदौर 21.67 लाख, फिर भोपाल 18.83 लाख, फिर जबलपुर 12.67 लाख, फिर ग्वालियर 11.01 लाख। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इनको हम टॉप फोर कहते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई टॉप फोर, क्योंकि ये हर चीज में आगे देखते हैं, डेवलपमेंट में भी, तो इनको मैं टॉप फोर की संख्या देता हूँ। तो टॉप फोर जिले जो मध्य प्रदेश के हैं, अपने नमोनिक्स के लिए मैं टॉप फोर कह देता हूँ, ठीक है, कि मान लो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बताए कहाँ शुरुआत हुई सबसे पहले, 6 जिले हैं तो मैं टॉप फोर प्लस दो अलग से याद कर लेता हूँ, इससे सुविधा हो जाती है, 6 के 6 नहीं रटने पड़ते हैं, टॉप फोर हो गया प्लस टू,
तो दो याद कर लिए, टॉप फोर तो हो ही गया, इसमें चारों शामिल हैं, लेकिन ये चार होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो याद रखें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। फिर दोस्तों तुलनात्मक जनसंख्या वर्ष 2011 की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भारत और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में छोटी छोटी सी बातें पढ़नी है कि 2011 की जनसंख्या में मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है, 7.26 करोड़, 7,26,809, 7,26,809, ये तो हो गई मध्य प्रदेश की जनसंख्या। और 121 करोड़ दोस्तों भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश और 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत। जनसंख्या वृद्धि में दोस्तों 20.35% मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में, इसे भी ध्यान रखना है। फिर भारत में दोस्तों 17.7% की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में। यदि हम बात करें लिंगानुपात की तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, वहीं भारत का है 943। भारत में लिंगानुपात मध्य प्रदेश के औसत लिंगानुपात से ज्यादा है। साक्षरता दर दोस्तों मध्य प्रदेश में है 69.32% और भारत में है 73%। इस मामले में भी भारत का औसत मध्य प्रदेश की औसत से ज्यादा है। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो आंकड़े नीचे की ओर दिखाई देते हैं मध्य प्रदेश के, उनको हम सकारात्मक रूप से ऊपर की ओर लेकर जाएं। सरकार प्रयास भी करती है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो आप यहां देख सकते हैं जिले पूछा गया है, वहां 10 लाख से अधिक आबादी या 10 लाख आबादी वाले जिलों में हमने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर देखा था। तो आप कहेंगे सर इंदौर के बाद यहाँ जबलपुर कैसे आ गया, वहां तो भोपाल पढ़ा था। तो दोस्तों हमने वहां पर शहर की बात की थी, 10 लाख जनसंख्या वाले या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर। शहर में विकास खंड, तहसील वगैरह नहीं आती। तो दोस्तों सब कुछ जोड़ने के बाद बनता है जिला। तो सब कुछ जोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर की है, फिर भोपाल की, जबलपुर की है, फिर सागर ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए मैंने वहां आपको समझा दिया था कि शहर जिले में कन्फ्यूज नहीं होना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, इंदौर की है, फिर दूसरे नंबर पर जबलपुर, तीसरे नंबर पर सागर, इसको ध्यान रखना है। आप जैसे भी याद रखें, सीधा IJS से याद कर लें, या फिर कुछ लोग बोलते हैं इसको इंजेक्शन से याद कर लो, है ना, इस प्रकार से लिखना है। लेकिन आपको ई से इंदौर, जा से जबलपुर और सा से सागर, ठीक, तो आपको याद हो सकता है। फिर दोस्तों बात करते हैं इसको साफ क्यों कर दिया, ध्यान रखें इंदौर सबसे ज्यादा, फिर जबलपुर, फिर सागर तीसरे नंबर पर। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों निवाड़ी सबसे कम जनसंख्या मध्य प्रदेश में वर्तमान में, ठीक है, और 2011 के हिसाब से तो हरदा की सबसे कम जनसंख्या थी। दूसरे नंबर पर आगरमालवा और तीसरे नंबर पर हरदा। अब आपको बताना है निवाड़ी और आगर मालवा जिले का गठन कब हुआ, 2011 की जनगणना के बाद ही हुआ होगा, इसलिए तो 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या थी हरदा की, नीचे लिखा भी हुआ है। फिर बात करते हैं प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो दोस्तों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल छिंदवाड़ा, फिर शिवपुरी और फिर सागर। लेकिन दोस्तों अब छिंदवाड़ा का विभाजन हो गया है, तो अब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल शिवपुरी का है, फिर सागर का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला नहीं है, क्योंकि इससे पांडुर्ना अलग हो गया है। बाकी फिर आंकड़े आप अपने हिसाब से देखें। फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले में दोस्तों निवाड़ी है, फिर दतिया है, फिर भोपाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया सबसे छोटा था, वर्तमान में निवाड़ी सबसे छोटा है। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहा जाता है लिंगानुपात। क्या कहते हैं, लिंगानुपात किसी विशेष क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या या पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1,000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी हम इकाई मानते हैं, और मध्य प्रदेश में वर्तमान लिंगानुपात है 931 स्त्रियां प्रति 1,000 पुरुष। इसका मतलब ये होता है कितना लिंगानुपात है, 931 है।
और दोस्तों रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है, और जो रीवा जिला है उसका लिंगानुपात जो हमारे राज्य का औसत लिंगानुपात है उतना ही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, इसे आप कोइंसिडेंस संयोग समझ सकते हैं। ठीक है, फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें, एमपीपीएससी ऐसे भी प्रश्न पूछता है। आप सोचेंगे सर आप तीन तीन जिले क्यों बता रहे हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम बताएं, तो मैं आपको बता दूं शायद वर्ष 2018 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में एमपीपीएससी में चार जिले पूछ लिए थे शायद 18 या 19, जब कभी प्रीलिम्स हो, या 20, मुझे याद नहीं है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है या नहीं है, फिर आप क्या करेंगे। तो कम से कम चार नहीं, पांच नहीं, तो तीन तो हमें ध्यान रखने ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है और मध्य प्रदेश का वेटेज सबसे ज्यादा है एमपी के एग्जाम में। ठीक है, तो बालाघाट का सबसे ज्यादा है, फिर अलीराजपुर का, फिर मंडला का। तो झंडू बाम नहीं होती, तो बाम, तो इसको अलग कर देना है, बा प्लस आ प्लस मा लिख दें आप इसको। ठीक है, बा में हलंत लगा दी मैंने, इसका वर्ण विच्छेद कर दें, तो बा से बालाघाट, आ से अलीराजपुर, मा से मंडला याद हो जाएगा। बालाघाट का सबसे ज्यादा है, तो आपको यहां पर ये 1021 भी याद करना है, फिर अलीराजपुर 1011, फिर मंडला 1008। ठीक, फिर न्यूनतम लिंगानुपात में दोस्तों भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इसको आपको जैसे याद करना हो बस, 837 को नहीं भूलना, सबसे कम है भिंड का, कितना है 837 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो समस्या हो जानी है। ठीक है, अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। मध्य प्रदेश में जो औसत शिशु लिंगानुपात है वो है 918। दोस्तों शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों को शामिल किया जाता है, और प्रति 1000 0 से 6 वर्ग आयु समूह वाले बालकों पर बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाती है, वर्तमान में है 918। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों वही है, हमने किस प्रकार से पढ़ा, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, चौथे नंबर पर दोस्तों डिंडोरी आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसा हमने सामान्य लिंगानुपात पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा बालाघाट का है, फिर अलीराजपुर का है, फिर मंडला का है, फिर डिंडोरी का है, आपको दिमाग नहीं लगाना, अलीराजपुर को ऊपर से उठा, बालाघाट को ऊपर से उठा के नीचे कर देना है, तो शिशु लिंगानुपात में क्या होगा, जो दूसरे नंबर पर था वो फर्स्ट हो गया, जो तीसरे चौथे पर था मंडला डिंडोरी वो सेकेंड हो गया, और जो फर्स्ट पर था वो थर्ड पर आ गया। इसी प्रकार से पलट देंगे और डिंडोरी को नीचे कर देंगे तो नॉर्मल लिंगानुपात हो जाएगा। तो शिशु लिंगानुपात में क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अलीराजपुर का है, कितना है 978 है, और फिर डिंडोरी मंडला का है 970, फिर बालाघाट का है 967। न्यूनतम में दोस्तों वही, मुरैना, ग्वालियर और भिंड, इसी प्रकार से आप भिंड को नीचे कर दें, फिर मुरैना फर्स्ट हो जाएगा, ग्वालियर सेकेंड और भिंड थर्ड आ जाएगा, तो कितना है मुरैना का 829 है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है जनसंख्या घनत्व की, मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना था, 236 था, देश में कितना था 382, हमने देख लिया है। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की यदि हम बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा भोपाल में है, फिर इंदौर में है, फिर जबलपुर में है, भोपाल राजधानी है तो याद कर लें 855 है भाई भोपाल में, सेकेंड 841 है, लेकिन थर्ड में भाई एकदम से गिर गया 473 हो गया, है ना, तो 855, 841 और 473, यह है जनसंख्या घनत्व वाले जिले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, तो भोपाल सबसे ज्यादा राजधानी है, पर कॉमन सेंस है, इंदौर पर ही जाएंगे, फिर आप जबलपुर पर ही जाएंगे, टॉप फोर देखा ना, भोपाल, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर देखते हैं हम, लेकिन घनत्व में भोपाल सबसे ज्यादा है क्योंकि राजधानी है, सबसे ज्यादा लोगों को काम वहीं पड़ता है, तो भोपाल टॉप पर हो गया, फिर भाई इंदौर आएगा, फिर जबलपुर आएगा। न्यूनतम की बात करें तो डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, इसको आप DSP से याद रखें, फिर पुलिस वाले आते हैं तो लोग डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए, पुलिस वाले हमारे कॉन्फिडेंस के लिए है, पुलिस को देखकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, यदि पुलिस को देखकर हमें डर लग रहा है, कोई भी व्यक्ति भयभीत होता है तो कहीं ना कहीं यह पुलिस की कमी है, ताकत नहीं है, सामान्य परिप्रेक्ष्य में लोग पुलिस से डरते हैं,
वह जनसंख्या घनत्व कम हो गया, डीएसपी से याद रखें, डीएसपी गया लोग घबरा गए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये निमोनिक्स के रूप में आपको बता रहा हूँ मैं, तो डी से डिंडोरी, एस से श्योपुर, पी से पन्ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो गया भाई, डीएसपी पुलिस वाले पहुंच गए तो डिंडोरी श्योपुर पन्ना सबसे कम, डिंडोरी में है 94, इनको याद रख लेना है बस, डिंडोरी का 94 याद रखें, और मजे करें, श्योपुर पन्ना आपको याद रखना, आपकी स्वेच्छा है, पेपर का भरोसा नहीं होता, बाकी आपके ऊपर है। मैंने आपसे कहा 94 तो कम से कम नहीं भूलना, बाकी श्योपुर का 104, पन्ना का 142 आपको याद रखना तो आप रख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को हम सभी जानते हैं। आप भी बोल दोगे सर कमेंट में क्या फालतू बातें बता रहे हैं, फालतू तो नहीं है लेकिन बहुत आसान सी चीजें बता रहे हो कि निश्चित समय में किसी क्षेत्र के जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दोस्तों इसमें सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक नहीं, निश्चित समय में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि बोलना चाहिए। परिवर्तन तो दोस्तों कमी भी हो सकती है ना यार, तो यहाँ पर परिवर्तन शब्द को डिफाइन करना पड़ेगा वृद्धि चाहिए तो, ताकि आप समझ गए होंगे कि निश्चित क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में होने वाली वृद्धि या जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। परिवर्तन तो दोस्तों नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई घट गई जनसंख्या, जन्म दर बहुत कम हो गई थी किसी भी कारण से, या मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गई थी तो घट गई। तो ये परिवर्तन शब्द को डिफाइन करेंगे तभी तो वृद्धि यहाँ पर सेट कर पाएंगे, बाकी आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो इंदौर, झाबुआ, भोपाल याद रखना है। दोस्तों झाबुआ बीच में आ रहा है, ध्यान रखना, इंदौर के बाद भोपाल मत कर देना, इंदौर, झाबुआ, भोपाल। इंदौर का प्रतिशत याद करना है, 32.8% वृद्धि हुई है जनसंख्या की इंदौर में, और सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जिला बन गया। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले में अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सबसे कम अनूपपुर में हुई है 12.3%, इसका प्रतिशत भी याद करना है दोस्तों। बैतूल, छिंदवाड़ा याद रख लें, ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि इंदौर, फिर झाबुआ, फिर भोपाल, सबसे कम वृद्धि अनूपपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा। फिर साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, इसको ग्रेजुएशन ट्वेल्थ मत समझ लेना। साक्षरता दर का मतलब पता है क्या होता है भाई, अपना नाम लिख ले इंसान, दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं, याद रखना है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु को मेजर करते हैं हम साक्षरता दर में, लिटरेसी रेट में, ठीक है, उससे कम वालों को नहीं करते। तो 7 या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को कहते हैं साक्षरता दर। और साक्षरता दर बराबर फॉर्मूला तो आप बना ही लेंगे कि भाई साक्षरों की जनसंख्या बटे 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई से, तो परसेंटेज निकल के सामने आता है, जो सामने आएगा वह होगा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 69.32%। तो साक्षरता दर मध्य प्रदेश की कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 69.32%। 21 की जनगणना अभी तक हो ही नहीं पाई तो उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। फिर सर्वाधिक साक्षर जिलों की बात करें दोस्तों, फिर जबलपुर टॉप पर आता है, फिर इंदौर, फिर भोपाल। ध्यान रखना है साक्षर में सबसे ज्यादा साक्षर है कौन, जबलपुर, 81.1%। न्यूनतम साक्षर दोस्तों आपको महिलाओं में, पुरुषों में, और सामान्य रूप से हमेशा यही 3 मिलने वाले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर सबसे कम साक्षर है 36.1, फिर झाबुआ है, फिर बड़वानी है। तो ये दोस्तों न्यूनतम साक्षर जिले हैं, सबसे कम साक्षर अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। पुरुष साक्षरता में भी आपको यही आंकड़ा देखने को मिलेगा सबसे कम में, महिला में भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है। यहाँ पर क्रम बदल जाएगा महिलाओं वाले सेक्शन में, पुरुष में भी दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर कौन रहेगा, जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल, यहाँ देख सकते हैं आप। लेकिन महिलाओं में दोस्तों क्या होगा, भोपाल सबसे ज्यादा साक्षर हो जाएगा, फिर जबलपुर, इंदौर एज इट इज रहेंगे, सेकेंड थर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों न्यूनतम में जो हमने पहले देखा था, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सबसे कम साक्षर भी अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी है। न्यूनतम पुरुष साक्षर में भी यही तीनों, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी है, और न्यूनतम महिला साक्षरता में भी अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी है, इनको ध्यान रख लेना है। लेकिन महिलाओं की साक्षरता भोपाल में भाई सबसे ज्यादा है, देख रहे हैं आप बात को। फिर नगरीयकरण की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले में भोपाल आता है, फिर इंदौर आता है, फिर ग्वालियर आता है। यहाँ पर जबलपुर का नाम उनचान नहीं देखा, होगा नीचे होगा, चौथे नंबर पर भी हो सकता, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पर है भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, ठीक। और सबसे कम में दोस्तों डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी। तो आपको डिंडोरी याद कर लेना है, यहाँ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर तीनों याद कर लें, तो डिंडोरी, फिर अलीराजपुर, फिर सीधी, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा नगरीकरण में सबसे पहले आएगा भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, याद रखना है। जबलपुर यहां देखने को नहीं मिला टॉप 3 में, ठीक।
फिर न्यूनतम में हमने देखा था डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। फिर दोस्तों बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या से संबंधित तथ्यों की। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रमुख बिंदु जिनके आधार पर हम चर्चा करेंगे, और फिर पहले ब्लॉक में SC, दूसरे ब्लॉक में ST की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संविधान में परिभाषित हुए हैं किस अनुच्छेद में? SC अर्थात शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति परिभाषित है 366-24 में, जनजाति है 366-25 में। वर्णित किस में है जातियां? 341 में है अनुसूचित जाति वर्णित, 342 में है अनुसूचित जनजाति वर्णित। तो आपको 366 तो याद ही हो गया, और 24-25 SC ST, 341, 342 SC ST, ऐसे याद करना है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत SC है? तो 15.6% है। ST कितने हैं? 21.1% है। अब यहां पर एक चीज और देखनी है आपको, सर्वाधिक जनसंख्या SC की कहां पर है? इंदौर में है। ST की कहां पर है? धार में है। न्यूनतम जनसंख्या SC की कहां पर है? झाबुआ में है। ST की कहां पर है? भिंड में है। अब एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक जनसंख्या SC की इंदौर में है, और प्रतिशत में कहां पर है? उज्जैन में है। यदि ओवरऑल परसेंटेज में बात करें तो सबसे ज्यादा SC इंदौर में है, और प्रतिशत में उज्जैन में है, और न्यूनतम दोस्तों झाबुआ में है। चाहे आप जनसंख्या सामान्य रूप से गणना में देखें या प्रतिशत में देखें, इसी प्रकार से सबसे ज्यादा ST जनसंख्या वाइज कहां पर है? धार में है, और प्रतिशत वाइज अलीराजपुर में है, और कम दोस्तों दोनों परिपेक्ष में भिंड में है। और मान्यता प्राप्त जातियों की बात की जाए ना, तो SC कुल 48 जातियां हमारे यहाँ है, ST में कुल आपके लिए 46 मिलेंगी। और नोट में लिखा है 2003 से दोस्तों कीर, मीना और पारदी को ST वर्ग से हटा दिया है। फिर बारी आती है अनुसूचित जाति की। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, प्रतिशत में उज्जैन है जिसकी चर्चा हमने कर ली, और न्यूनतम में दोस्तों आपको झाबुआ मिलेगा, चाहे जनसंख्या में देख लें चाहे प्रतिशत में देख लें। इसी प्रकार से ST में दोस्तों बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले में सबसे टॉप पे इंदौर है, फिर उज्जैन सागर देख लें आप। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिशत में सबसे ज्यादा उज्जैन है, दतिया टीकमगढ़ है, और न्यूनतम में दोस्तों झाबुआ तो दोनों ही में है, और उसके बाद अलीराजपुर डिंडोरी है जनसंख्या में, और प्रतिशत में अलीराजपुर और मंडला। तो मैंने आपको ऊपर ऊपर का बताया था कि सबसे ज्यादा SC कहां पर है? इंदौर में है। प्रतिशत में कहां पर है? उज्जैन में है। और कम कहां पर है? दोनों में, झाबुआ में है सबसे कम। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ST सबसे ज्यादा धार में है जनसंख्या में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है? अलीराजपुर में। और कम कहां पर है? प्रतिशत हो चाहे जनसंख्या हो, भिंड में है। पूरे क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा है धार, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ। प्रतिशत में सबसे ज्यादा है अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। और कम में दोस्तों आप ये क्रम ध्यान रखें, सबसे कम जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कहां पर है? भिंड में है, फिर दतिया में है, फिर मुरैना में है। इसी प्रकार से प्रतिशत में न्यूनतम, भिंड में सबसे कम, फिर मुरैना, फिर दतिया। आप इनमें दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। आपको ST में कैसे, SC में कैसे याद करना है? इंदौर, उज्जैन, फिर झाबुआ। सबसे ज्यादा इंदौर में, प्रतिशत में उज्जैन में, कम झाबुआ में। और ST में कैसे याद करना है? धार, अलीराजपुर और भिंड। सबसे ज्यादा धार में परसेंटेज में अलीराजपुर में, सबसे कम भिंड में, ओवरऑल है ना, इस प्रकार से देखना है। फिर बारी आती है दोस्तों संभाग की। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले संभागों में सबसे पहले इंदौर, फिर जबलपुर, फिर उज्जैन। दोस्तों यहाँ ग्वालियर, भोपाल देखने को नहीं मिला, इनका क्रम जरूर याद रखें। सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर, फिर है जबलपुर, फिर है उज्जैन। न्यूनतम में शहडोल, नर्मदापुरम, चंबल। ध्यान रखना है इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले संभाग हैं दोस्तों, और शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल सबसे कम जनसंख्या वाले संभाग हैं। फिर बारी आती है दोस्तों मध्य प्रदेश के जनगणना निर्देशक की। तो श्री सचिन सिन्हा थे जनगणना निर्देशक मध्य प्रदेश में, इसको आपको ध्यान रख लेना है, और हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है दोस्तों। जनसंख्या स्थायित्व के लिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति का अनुमोदन हुआ था वर्ष 2000 में, कहते हैं ना सन 2000 की जनसंख्या नीति। दो या दो, जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य हैं, तो इस प्रकार के कुछ उपबंध, बाकी सारे भी उपबंध थे। यदि आप चाहें तो मेंस के परिप्रेक्ष्य में हम विस्तार से मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 के बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए उस चीज के लिए। मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए किसी अकेले व्यक्ति को पूरा कराने में,
तो आपका यदि बहुत ज्यादा अटूट सपोर्ट नहीं मिला तो उसके बिना संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। एक विद्यार्थी ने कहा था मेंस लेकर आइए, और पहले भी बहुत सारे विद्यार्थी कह चुके हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत आपसे मिलेगी। जब आप बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे तो जरूर प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक रहा है वर्ष 1961 से 71 का दशक। इस समय दोस्तों इस दशक में 29.8% की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। इस दशक को बिल्कुल ना भूलें, 1961 से 1972 का, 1971 का दोस्तों मैं भी अजीब सी बातें कर देता हूँ कई बार, 1961 से 1971 का 10 वर्ष की होती है जनगणना, मतलब हर 10 वर्ष में होती है, ठीक है, 11 में थोड़ी ना होती है। तो 61 से 71 का जो वर्ष था सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला दशक रहा, और दोस्तों 29.28% की जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी उसमें। ठीक, उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें ध्यान में रख गई होंगी। नहीं हुई हो तो पुस्तक से आप रिवाइज कर लेना, अदरवाइज वीडियो को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी यदि आप एक दो बार वीडियो देखें फिर पुस्तक का सहारा लें तो जल्दी आपका रिविजन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर बाकी आपकी स्वेच्छा है। फिर विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द, मतलब आयोग ने अपने द्वारा पूछे गए अलग अलग प्रकार के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे, यहाँ से आप एस्टीमेट लगा पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से एमपीपीएससी पूछेगा। तो पहले पूछा था भाई एमपीपीएससी एडीपीओ 2021 में, एडीपीओ का फुल फॉर्म बताएं दोस्तों आप क्या होता है, ऐसे पूछ लिया मैंने, आपके एग्जाम से ज्यादा तालमेल नहीं रखता फिर भी दिख गया तो ठीक है। तो दोस्तों बस 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा, 20.3% थी। फिर वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था। भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, आप सब पे बन जाएंगे। 11 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला हरदा पूछ लिया। 11 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा है, वर्तमान में कौन सा है चर्चा कर ली, कब बना था बता देना। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी है तो उसका तो क्षेत्रफल भी याद रखना है दोस्तों आपको, कितना क्षेत्रफल नेवाड़ी का बता दें आप, बताएं नेवाड़ी का क्षेत्रफल, पूछा जा सकता है। फिर पूछा तो सागर का भी जा सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा हो गया ना। जनगणना 11 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर पूछ ली भाई एमपीपीएससी एएमओ में कितनी थी, 69.3 थी। देश की कितनी है कमेंट में, 73 पढ़ी है शायद, क्या बताएंगे, मैंने ही बता दिया अब तो आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था भाई, 236 था। 2001 का पूछते 196 शायद है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भले पड़ता, 236 तो मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा बता देगा यार, भारत का बच्चा बच्चा ऐसे में नहीं बोल सकते, कर्नाटक का बच्चा क्या करेगा याद करके। ठीक, फिर सितंबर 2020-2019-21 के मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर पूछ ली भाई, देख लेना आप 41.3%, वर्तमान की शायद हम कई पिछले वीडियोस में चर्चा भी कर चुके हैं, उसको ध्यान रख लेना आपको, प्रतिशत नहीं है दोस्तों यहाँ पर, याद रखना ये चीज़। ठीक, गलती से लग गया, फ्लो फ्लो में सारा काम प्रतिशत में चल रहा है इधर। फिर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 27.6% है, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 72.4% है। पिछले वीडियोस में कहीं ना कहीं इसकी चर्चा भी हमने करी है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिक में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, तो 69.8% दोस्तों कृषि गतिविधियों में कार्यरत है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी पूछा है, ये थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के दिख रहे होंगे आपको, है ना, तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है तो इनको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 43.5%। दोस्तों ये सभी फैक्टर ना आपको मेंस के एग्जाम में काम में आएंगे, जब आप जाके आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर्स लिखेंगे फाइनल एग्जाम में, तो जब ऐसे फैक्ट्स आप कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन में डालेंगे ना, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, भर भर के आपको नंबर देगा और आप डीसी बन जाएंगे सीधे, तो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है लंबे समय तक। फिर मध्य प्रदेश में जन्म दर और मृत्यु दर, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 20.1%, मृत्यु दर 6.1। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में कहा है जन्म दर है 24.1% और मृत्यु दर है 6.5%, इनको ध्यान रख लेना है आप, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के आधार पर पिछली शताब्दी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो पहले पिछली शताब्दी थी अर्थात कौन सी शताब्दी, 20वीं शताब्दी, अभी 21वीं चल रही है, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा है, अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल था वर्ष 1901 से 1921 तक, नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल था मतलब एक स्टेबल कंडीशन रही 1921 से 1951 के बीच, तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई फिर 1951 से 71 के बीच, और जनसंख्या की वृद्धि दर घटने का कार्यकाल था
है मतलब 1971 के बाद हमें थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही, वृद्धि की बात चल रही है दोस्तों, ओवरऑल तो बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि दर घटने की बात चल रही है, कि पहले मान लो 50% बढ़ती थी, अब 40 बढ़ने लगी। आप ये ना सोच लेना कि जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, उसकी वृद्धि दर जिस स्पीड से बढ़ रही थी वो स्पीड कम हुई है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या की आयु संरचना की बात करें तो बाल आयु मतलब 0 से 14 वर्ष के कितने हैं, 32.1%, प्रौढ़ मतलब 15 से 59 वर्ष के कितने हैं, 60.8%, वृद्ध आयु वर्ग 60 से अधिक वाले 7.1%। तो यहां देखो दोस्तों कार्यशील जनसंख्या कितनी ज्यादा है मध्य प्रदेश में, लेकिन यही जनसंख्या दोस्तों अभी सबसे कम उत्पादक नजर आती है। कुछ लोग रोजगार की तलाश में हैं, कुछ लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने स्किल के अनुसार काम नहीं कर पा रहे। कमी क्या है, अधोसंरचना का विकास कम है, रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव है, जिनके पास स्किल है उनके पास नौकरी नहीं है, काफी लोगों के पास स्किल नहीं है। तो बहुत सारी एक समस्याएं हैं जो कारण बनती है कि हम अपनी कार्यशील जनसंख्या का भरपूर दोहन उपयोग नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ का मानव संसाधन है जो हमें इस आंकड़े में दिखाई दे रहा है, और दोस्तों बहुत संकट की स्थिति आने वाली है। अभी यह दोस्तों कार्यशील जनसंख्या है, आगे चल के वृद्ध समूह में जाने वाली है। तो जब इतनी सारी जनसंख्या वृद्ध हो जाएगी तो कितना सारा दबाव आएगा, इसलिए आज हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का भरपूर दोहन करने का रास्ता निकालना होगा। नहीं तो जब यह वृद्ध आयु वर्ग में शामिल होगा उस समय दोस्तों इतनी सारी जनसंख्या वृद्ध होगी और कितनी सारी डिपेंडेंट जनसंख्या बढ़ेगी और रिसोर्सेस हमारे पास कम होंगे, क्योंकि यदि हम आज सही इस्तेमाल नहीं करते संसाधनों का तो आगे चल के दोस्तों सारी चीजें बोझिल होने वाली हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि हम ही सरकार है, हम चुन के भेजते हैं, और हमारे प्रतिनिधि हमारे हिसाब से काम नहीं करें, हमारी नहीं सुने, तो गलत बात है, ये उनको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि सरकार नीतियां तो बढ़िया बनाती है, जनहित में बनाती है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा, लेकिन उनका क्रियान्वयन तो सुनिश्चित करा पाओ भाई। नीतियां बनाने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर उनको उतारना पड़ेगा, और लोक लुभावन नीतियां बनाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, दवाई कड़वी ही लगती है भाई। चीजों को ठीक करना है तो प्रलोभनकारी नीतियां चुनाव के समय में निकालने से कुछ नहीं होना, आपके लिए देश को, प्रदेश को, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, गांव को, घर को, किसी को भी आगे लेकर जाना है तो आधारभूत संरचना पे काम करना पड़ेगा। परिवार को ऊपर उठाना तो उस स्तर पे, जिले को उठाना है तो उस स्तर पे, प्रदेश को उठाना है, देश को उठाना है, उन चीजों पर काम करो। हम सरकार में बने रहें इसके लिए प्रयास मत करो, हमारा प्रदेश ऊपर जाए इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या कंडीशन भविष्य में आने वाली है। ठीक, हमें भरपूर उपयोग करना है हर एक चीज का, जितने भी संसाधन हैं उनका दोहन नहीं कर पाएंगे। आप खुद बताइए 60% दोस्तों, दिमाग खराब हो गया आंकड़ा देखकर। दिमाग खराब नहीं दोस्तों, ये खुशी की बात है मध्य प्रदेश की, कि वर्तमान समय में कार्यशील जनसंख्या 60% से ज्यादा है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करेंगे और इसका बिना उपयोग किए इसको बूढ़ा कर देंगे तो समस्या की बात है यार। इस पे विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, फिलहाल समय कम है, आपका प्रीलिम्स भी आ रहा है, इसलिए सीरीज को कंप्लीट करना उद्देश्य है। यदि आप चाहें तो ऐसे टॉपिक उठाए करेंगे यूट्यूब पर हम, आप भी कमेंट सेक्शन में डिस्कशन में शामिल होना यार। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो नहीं होनी चाहिए, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। इसका उपयोग कर लेंगे ना, भरपूर उपयोग कर लिया तो भारत की जो गति है ना आर्थिक प्रगति की, कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें सेट करने की आवश्यकता है, इनकी चर्चा कभी और कर लेंगे। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के प्रादेशिक वितरण की ओर। तो दोस्तों उच्च अनुपात के क्षेत्र जहां पर 950 से ज्यादा है तो इसके अंतर्गत राज्य के 51 जिले शामिल हैं, और दोस्तों यह मालवा का पश्चिमी भाग और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। फिर दोस्तों मध्यम अनुपात के क्षेत्र में 900 से 950 तक के जिले आते हैं, और राज्य के 21 जिले इसके नजदीक नजर आते हैं। पूर्वी मालवा पठार, नर्मदा घाटी, रीवा पन्ना पठार इसमें शामिल है। फिर न्यून अनुपात में 900 से कम आते हैं, राज्य की 8 जिलों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, 900 से कम है, और उत्तर मध्य भारत का पठार इसमें आता है। अब बात करते हैं दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार व्यवसाय की संरचना। तो कृषि कार्य में दोस्तों कितने संलग्न है, 69.8% संलग्न है, और दोस्तों जीडीपी में इसका हिस्सा देख लेना आप, वहीं से समझ में आ जाएगा कितनी लेस प्रोडक्टिव काम करवा रहे हैं हम लोगों से।
जब भाई कोई व्यक्ति ज्यादा डेवलपमेंट वाले काम कर सकता है, ज्यादा अर्न कर सकता है, तो कंप्रोमाइज क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षा की कमी है, कौशल की कमी, हर प्रकार से कमी है भाई। जिसके पास कौशल है उसके पास रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कौशल ही नहीं है, समस्या आ रही है भाई। कृषि कार्य में संलग्न है 69.8% जनसंख्या, जोत कार्य कितने हैं 31.2%, खेतिहर मजदूर कितने हैं 38.6% इस 69.8% में से। गैर कृषि कार्य में दोस्तों 30.2% संलग्न है। सेवा वर्ग में कितने हैं 17.9% मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनका ज्यादा होगा। कार्मिक निर्माण उद्योग में 12.3%। भाई इंडस्ट्री ज्यादा होंगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी दशा आप यहाँ देख लो, आपको आंकड़ों में दर्शाई जा रही है। तो यही तो प्रश्न पूछने लायक होते हैं जब कोई आपसे वोट मांगने आता है, किसी भी चीज के लिए आता है। आपको कभी भी प्रश्न पूछने का मौका मिले, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं तो इन आंकड़ों का जरूर उपयोग करें। ये इसी चीज के लिए बनते हैं, हम समझदार बनते हैं, पढ़ाई शिक्षित बनते हैं, चीजों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपना अलग नजरिया डेवलप करते हैं चीजों का, तब चीजें दिखती हैं, समस्या कहाँ आ रही है। तो इन आंकड़ों का प्रयोग करें आप सवालों को पूछने में। तो दोस्तों प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या की बात भी कर लेते हैं, चर्चा कुछ ज्यादा होगी इस वीडियो में लास्ट में। तो दोस्तों कार्यशील जनसंख्या कार्य सहभागिता की दर से तात्पर्य है ऐसी जनसंख्या से जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न है, जैसे कृषि, व्यापार, मजदूरी या नौकरी में संलग्न हो। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है 43.5% है कार्यशील जनसंख्या। और दोस्तों देख रहे हैं आप यहां पर आंकड़े, यह भारत की कार्यशील जनसंख्या के औसत का मतलब भारत की कार्यशील जनसंख्या के औसत से अधिक है। भारत का औसत कितना है 39.8%, मतलब भारत में कार्यशील जनसंख्या है 39.8%। ओवरऑल मध्य प्रदेश में कितनी है 43.5%, मतलब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, भारत में ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे मध्य प्रदेश की तुलना में। तो इस आंकड़े को ध्यान रखें, 43.5% और 39.8%। दोस्तों चर्चा करते करते दिमाग कहीं और चला जाता है, यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग मैंने बोल के सही नहीं करी, ठीक है। तो फिर मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर तो हमने देख ही लिया 43.5%, और अकार्यशील में आप देखें दोस्तों कितनी सारी जनसंख्या है 65.5%। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या सहभागिता वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी है 55.3%। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या सहभागिता वाला जिला भिंड है 30.6%। तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि ऐसा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को आपको दोस्तों लाइक जरूर कर देना है। पिछले कुछ वीडियो से आपकी ओर से उतना सपोर्ट समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मनोबल में कमी आ रही है, अंदर से एनर्जी कम सी लगती है। जब देखते हैं कि आपका समर्थन मिल रहा है तो बहुत एनर्जी आती है अंदर से वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करना है, कमेंट भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके लिए ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समर्थन इतना प्यार दिया, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी है। तो फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक की, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुके जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।